एसएससी जीडी 2025 मैथमेटिक्स में टॉपिक चल रहा है परसेंटेज का भी जो नंबर है 8। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी संख्या के को 200 से घटाकर 150 कर दिया जाता है तो कमी परसेंटेज आती है, यानी कि 200 थी संख्या पहले उसे 150 कर दिया जाता है तो कितने प्रतिशत की कमी हुई, कितने परसेंट की कमी हुई। ठीक है, तो प्रारंभिक मान 200 है, कमी कितने की हुई 50 की। उन्होंने पूछा है कितने परसेंट की कमी हुई, 200 से 150 कर दिया जाता है। प्रारंभिक मान 200 था, 50 घटा दिए, ये देखिएगा काटेंगे 50/2, 25% की कमी हुई। यहाँ से इससे डायरेक्ट आ जा रहा है, ठीक है, इसकी कितने परसेंट की कमी हुई 25% की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात करो। दो संख्याएं हैं, एक x मान लिया, इसका एक y, एक जगह अंतर है और एक जगह योग है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है, उनका जो अंतर है योग का 15% है, तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना, छोटी और बड़ी संख्या का अनुपात, एक छोटी संख्या होगी एक बड़ी होगी, ये बड़ी है और ये छोटी है। ठीक है, इनका अनुपात हमें निकालना है, पहले छोटी ऊपर छोटी रखनी है, मतलब छोटी बड़ी क्या रखना, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात, यानी कि ऊपर छोटी संख्या रखी जाएगी नीचे बड़ी, यानी बाई अपॉन एक्स निकालना क्या है, बाई अपॉन एक्स, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात। ठीक है, निकालते हैं एक्स प्लस बाई 15%, यानी कि 15/100, 5 से काटेंगे, 5 से 15 20, एक्स माइनस बाई बराबर 3/20, ये हो गया एक्स प्लस बाई, क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर देंगे 20, एक्स माइनस बाई बराबर 3, एक्स प्लस बाई, ये हो गया 20x माइनस का 20y बराबर 3x प्लस का 3y, एक साइड में ये हो जाएगा 20x माइनस का 3x बराबर 3y प्लस का 20y, और 20 में से 3 घटाएंगे 17x बराबर 23y, एक्स बटे वाई 23/17, एक्स बटे वाई, ठीक है ना, वो बाई बटे एक्स लेंगे, छोटी संख्या बटे बड़ी संख्या, और ये हो जाएगा 17/23, बाई बटे एक्स बराबर 17/23। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पता नहीं कहाँ से करा रहा था, पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है, पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करो, यानी दोनों संख्या का क्या निकालना है, अनुपात या रेशो हमें फाइंड करना है। ठीक है, एक संख्या x मान ली पहली संख्या, बाई मान ली दूसरी संख्या, x का 75% यानी कि 75/100 हो जाएगा, बाई का 60% 60/100, 100 से 100 कैंसिल, x 75 y इंटू 60, 15/75 15/60 5x बराबर 4y, तो x बटे वाई बराबर 4/5, x अनुपात बाई 4/5। ठीक है ना, इन संख्याओं का जो अनुपात है वो आ जाएगा हमारा 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अगला क्वेश्चन दिया है, एक संख्या में 5 से 3/2% की वृद्धि करने से 52 देती, एक संख्या की संख्या क्या है, संख्या
की पाँच सही संख्या की पाँच सही 3/2% की वृद्धि करने से 52 हो जाती है, यानी कि कितनी हो जाती है संख्या, 52 हो जाती है। संख्या क्या है उसका नंबर हमें ज्ञात करना है। तो x प्लस एक्स का 5/10 13/2% और 13/2% है नीचे 100 आएगा बराबर 52। x प्लस एक्स यानी कि 13/2 × 100 200 बराबर 52। x को मिलेंगे 1+13/200 बराबर 52। तो ये हो जाएगा x 200 और 13 200 एक्स मिलेंगे 200+13 213 बराबर 52। तो x बराबर होगा 200 × 52/213 सोल्व कर लेंगे, ठीक है, ऊपर गुणा करके नीचे 213 से डिवाइडिंग कर देंगे और ये आंसर बन जाएगा।